वेलकम बैक टू व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैंने सोचा कि सब लोग व्हाट आई ईट इन अ डे बना रहे, तो मैंने सोचा हम भी बना लेते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी और नाश्ते में मैंने जो है शुगर पराठा लिया था, वो भी मक्खन के साथ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ने कभी ऐसे खाया, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, दोपहर में जो है अम्मी ने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, क्योंकि अम्मी को शाम में चिकन विंग्स बनाने थे। और फिर उसके बाद जो है अम्मी सोच रही थी दोपहर के भी खाने में हम मिक्स वेजिटेबल बनाएं या फिर चाइनीज़ राइस, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ मैं, ताकि आप लोग देख सकें हमें समझ ही नहीं आता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और शाम में जो है हमने कॉफ़ी बना ली थी, और कॉफ़ी की रेसिपी इसी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और मुझसे भी यहाँ मोबाइल देखने में मसरूफ़ था, अपने कार्टून्स वगैरह और पोएम्स जो होती हैं, और हम यहाँ बैठे हुए कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। और उसके बाद जो है अम्मी ने शाम में फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ही अम्मी जो है विंग्स तल लिए थे अम्मी ने, उसका क्लिप आई थिंक मैंने लिया नहीं है, मैं लेना भूल गई थी। और फिर रात में अम्मी ने फ़िश फ्राई कर ली थी, और इसको आई थिंक कहेंगे स्टीम फिश, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके से बनी थी। और अम्मी ने इसे जो है कम तेल में फ्राई भी किया था, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इसमें कम तेल यूज़ हुआ। अगर ज़्यादा तेल यानी डीप फ्राई की बात करें तो वो थोड़ी सी आपके लिए अनहेल्दी भी साबित हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी रहेगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और उसके बाद पता है क्या हुआ हमारे साथ, हम ये भूल गए कि हमने फ़िश के अलावा लज़ानिया भी खाना है, जो कि एक दिन पहले बना था, और वो हम जो है गरम करना भूल गए। तो फिर अम्मी जो है मुनसिफ़ के यहाँ लेके खड़ी हुई और इसे गरम किया। मुनसिफ़ को जो है ओवन के अंदर देखने का बहुत ज़्यादा दिल करता है कि अंदर क्या है क्या नहीं, लाइट उसकी जलती है ना, तो उसकी वजह से। तो चलें, आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।